मलेशिया में थे यहाँ के मजदूर फंसे हुए, भाजपा की सरकार थी, नाक दरड़ करके रद गए, हम लोगों को वापस नहीं, अंततः हम लोगों को निजी प्रयासों से मुकदमा लड़ करके वापस लाना पड़ा। बाकी 20 सालों तक शासन भारतीय जनता पार्टी, कोई राज्य में तो एक भी नीति नहीं बनी प्रवासी मजदूरों के लिए, या अभी जब केंद्र में है, जब दूसरे देशों के साथ प्रॉब्लम आती प्रवासी मजदूरों की, एक भी, जो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रवासी मजदूरों के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बने केंद्र स्तर से, प्रवासी मजदूर आज जाते हैं, आज बीमार हो जाएं महाराष्ट्र में, महाराज हो जाए दिल्ली में, उनका आयुष्मान कार्ड वहाँ कोई काम नहीं करता है, उनके स्वास्थ्य कार्ड का एक राष्ट्रीय स्तर पे बने, नामो निशान नहीं है। अरे सर, तो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की सरकार है, तब आज ये ऑपरेशन सफल हुआ है। रोकने की दिशा में क्या कुछ आगे की रणनीति है कि सरकार कदम उठाए? तो सरकार है, ये लोग आ रहे हैं, खुशी की बात है, और सरकार इन मजदूरों के लिए समायोजन का व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जिस सदमे से ये गुजरे हैं, लंबे समय तक इनके ऊपर ये तनाव या पीड़ा रहे, फिर इनको राज्य से बाहर न जाना पड़े, तो सरकार इनके समायोजन की व्यवस्था। झारखंड के 15 मजदूर जिस तरह से उत्तराखंड से दोबारा जिंदगी मिलने के बाद वापस लौट रहे, इस पर राजनीतिक एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहे, तमाम दल के जो नेता है वो पहुंचे हुए, लेकिन एक सवाल है कि आखिर 23 वर्षों के झारखंड में ऐसा कौन सी दुविधा है जिस कारण यहां पर रोजगार के जो अवसर है वो सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। इस पर हमने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से भी सवाल किया तो उन्होंने टाल मटोल जवाब दिया, और यहां पर मौजूद है माले विधायक विनोद सिंह, किस तरह से देखते हैं आखिर पलायन करने को क्यों मजबूर हो जाए? स्वागत तो जोर शोर से हो रहा है, मजदूर तो आजकल हैं, झारखंड है या कई प्रदेश से मजदूर तो काम करने जा ही रहे हैं, झारखंड हो बिहार हो, हर जगह मजदूर बाहर जा रहे हैं, यहाँ तक विदेशों में भी जा रहे हैं, और दूसरे राज्यों के मजदूर भी यहाँ जा रहे हैं। प्रवासी मजदूर आज कोई एक राज्य का मसला नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय हो गई है, और आदान प्रदान। सवाल ये है कि मजदूर अगर कहीं भी जा रहे हैं, देश के अंदर, दूसरे राज्यों में या देश के बाहर, तो जहाँ जो काम कर रहे हैं उनके काम की सुविधाएँ, उनकी चीज़ें ये होनी चाहिए, उनके सुरक्षा के उपाय होनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन दिक्कत यह कि झारखंड राज्य अलग हुए और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी शासन रही, प्रवासी मजदूरों के प्रति उनके लिए कोई नीति पॉलिसी नहीं। अभी भी जो राष्ट्रीय, अभी आप झारखंड के विदेशों में देखते हैं, सबसे ज़्यादा मजदूर फंसते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन भारत सरकार एक MOU तक नहीं किए है उन देशों से कि जो मजदूर यहाँ से ले जाते हैं उनका बीमा हो, किसी भी तरह से घटना हो, दुर्घटना हो या सामान भी बहुते हो तो उनके शव पहुँचे या दुर्घटना में राहत हो या उनके परिवार को मुआवजा मिले, उन संबंधित देशों से अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। ये जरूर पिछले कोविड के बाद ये स्थितियों में बदलाव हुई है, आपने देखा कि लगातार हमने भी सदन में सवाल उठाए हैं, और इस सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर कई नीतियां भी बनाई, घोषणा भी बनाई, और इस घटना में भी अगर देखें तो जैसे सूचना मिली हम लोगों ने कि झारखंड पहली राज्य है जिसने सबसे पहले अपनी टीम वहां के लोगों को बना पहुंचाया, उन लोगों को ढाढ़स पहुंचाया, परिवारों को हौसला दिया। रोजगार में आखिर पीछे क्यों रह जाता है झारखंड? छात्र आंदोलन करते हैं मजदूर, बिल्कुल है, नियुक्तियाँ हैं, रोजगार जितने खनन है, और मुझे लग रहा है कि केंद्रीय स्तरों पर इसके बदलाव होनी चाहिए कि झारखंड में जहाँ भी खनिज संसाधन है, जहाँ भी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे पहला हक उस राज्य के वासियों को होना चाहिए। राज्य सरकार लगातार इस सवाल को उठा रही, हम लोग भी उठा रहे हैं, और इस पे एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ मची है, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मसला नहीं क्रेडिट और कि, आप तो देख ही रहे हैं कि आज से पहले बताएं तो लगातार, मुझे याद है जब मैं सेकंड टाइम आए थे, मलेशिया में थे यहाँ के मजदूर फंसे हुए, भाजपा की सरकार थी, नाक दरड़ करके रद गए, हम लोगों को वापस नहीं, अंततः हम लोगों को निजी प्रयासों से मुकदमा लड़ करके वापस लाना पड़ा। बाकी जगहों पर हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, तो पहले भी लगातार, बल्कि कोई पॉलिसी नहीं बनी, हम दूसरी बार विधायक थे तब से सवाल उठे, बल्कि इस बार एक मुकम्मल पॉलिसी कुछ बनी है, ज़रूर इसमें और बेहतर होनी चाहिए, चाहे मजदूर कहीं कोई घटे, कहीं कोई चीज़ें हो, राज्य सरकार ने कई नीतियाँ बनी, नहीं तो थे 20 सालों तक शासन भारतीय जनता पार्टी, कोई राज्य में तो एक भी नीति नहीं बनी प्रवासी मजदूरों के लिए, या अभी जब केंद्र में है, जब दूसरे देशों के साथ प्रॉब्लम आती प्रवासी मजदूरों की, एक भी, जो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रवासी मजदूरों के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बने केंद्र स्तर से, प्रवासी मजदूर आज जाते हैं, आज बीमार हो जाएं महाराष्ट्र में, महाराज हो जाए दिल्ली में, उनका आयुष्मान कार्ड वहाँ कोई काम नहीं करता है, उनके स्वास्थ्य कार्ड का एक राष्ट्रीय स्तर पे बने,
उनके लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बने। यहाँ तक कि आप देखिएगा झारखंड से जा रहे हैं लगातार, आज बम्बई झारखंड की सबसे ज़्यादा मजदूर जाते हैं, जरा पूछे कि झारखंड से प्रतिदिन चलने वाली रेलवे एक ट्रेन चलाती हो मुंबई के लिए? कोई प्राथमिकता ही नहीं है भाजपा के लिए प्रवासी मजदूरों की सुविधाएं फंसे हुए थे। लेकिन वाह, मोदी जी है तो संभव है, और मोदी जी के प्रयास से आज मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, परिवार में लौट रहे हैं, अपने प्रदेश में लौट रहे हैं, और हम सब लोग आज उत्सव मना रहे हैं, और उसका श्रेय मजदूरों के धैर्य और साथ साथ निकालने वाले जो श्रमिक थे, जो लोग थे, उनको मैं बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूँ और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बीजेपी और नामो निशान नहीं है, अरे सर तो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र की सरकार है, तब आज ये ऑपरेशन सफल हुआ है। और अभाव है, लगते है कि अखबार वो पढ़ते नहीं है, कुछ और चीजों की जानकारी नहीं रखते हैं। मोदी जी लगातार इन परिवारों को बचाने के लिए, इनके सेहत के बारे में, इनके परिवारों की चिंता हर दिन किया, और वहाँ के उत्तराखंड के हमारे नौजवान मुख्यमंत्री धामी जी के प्रयास से लगातार उनके हित की चिंता की गई और रक्षा की गई। लेकिन ईश्वर सबसे बड़ा, आज हम कह सकते हैं कि आज वो वापस लौट रहे हैं और हमारे परिवार के एक अंग है, हम सब लोग आज उत्सव मना रहे हैं। बोल्ड आउट क्लीन बोल्ड होने वाला है। फोकस कर जाता है एक आखिरी सवाल, रोबिन हेम्ब्रम दादा, रोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि प्रत्येक मजदूर को 15 लाख रुपए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, आप लोग इस तरह? देखिए हम तो सहमत है, करना राज्य की सरकार है, केवल भोजन कराने से नहीं होता है, उनके परिवार की चिंता राज्य सरकार करे तब जानेंगे राज्य सरकार। कोरोना के कालखंड में भी हवाई जहाज का किराया कोई दूसरा दिया और राज्य सरकार क्रेडिट लेना चाहती थी, बहुत दुर्भाग्य है राज्य की सरकार कोरोना के कालखंड में मजदूरों के दुर्दशा के जिम्मेवार रही। 23 साल के झारखंड में मजदूरों को मजबूर होते, कारण क्या रहा? देखिए मजदूर के हित में हम सब लोग लगातार संघर्ष करते हैं, मजदूरों के हित के लिए काम करते हैं, और मजदूरों का हक वाजिब हक मिलना भी चाहिए। लाइन रोकने की दिशा में क्या कुछ आगे की रणनीति है कि सरकार कदम उठाए? तो सरकार है, ये लोग आ रहे हैं, खुशी की बात है, और सरकार इन मजदूरों के लिए समायोजन का व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जिस सदमे से ये गुजरे हैं, लंबे समय तक इनके ऊपर ये तनाव या पीड़ा रहे, फिर इनको राज्य से बाहर न जाना पड़े, तो सरकार इनके समायोजन की व्यवस्था करे। तो आपने सुना है माले विधायक विनोद सिंह थे जो जिस तरह से तमाम मजदूर आज वापस लौट रहे हैं, आखिर 17 दिनों के बाद जो टनल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़े थे, लेकिन आज एयरपोर्ट का आपको नज़ारा दिखा दे तो तमाम जो दल के नेता हैं वो यहाँ पहुँचे और तमाम लोगों में क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। हालांकि माले विधायक ने साफ तौर पर कहा कि हम जो सरकार है वो लगातार बेहतर काम कर रही है और सीधे तौर पर भाजपा पर टिकरा फोड़ा कि भाजपा ने अब तक कोई नीति मजदूरों को लेकर नहीं बनाई, और इन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार एक ऐसी नीति बनाएगी जिससे मजदूरों को बाहर पलायन न करना पड़े, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही, अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर द न्यूज़ पोस्ट।